अरबाज के एनकाउंटर के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुनहगारों का हिसाब तेज हो चला है तो राजनीति भी रफ्तार पकड़ रही है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव ने साजिश की आशंका जाहिर की थी। अखिलेश यादव ने कहा कि देश के राजनीतिक मैप पर यूपी की अहमियत किसी से छिपी नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस हमले पर भाजपा ने चुभने वाला पलटवार किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के टॉप 10 माफिया की सरकार से लिस्ट क्या मांगी, इस पर सियासत गर्मा गई। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अरे माफियाओं की सूची तो आ जाए। मैंने सदन में मांगा कि टॉप 10 टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की, टॉप 10 माफिया टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। भाजपा से लेकर उसके तमाम सहयोगी दलों ने अखिलेश पर हल्ला बोल दिया। निश्चित रूप से उनको मालूम है कौन कौन से अपराधी हैं, कैसे हैं, उनको तो उसका तो सदन में चली रहा दो दिन से कि कहाँ से स्कूल कहाँ है, प्रोडक्शन कहाँ है, मार्केटिंग कहाँ हो रहा है और मार्केट को और प्रोडक्शन हाउस दोनों कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो अब सब खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन केंद्र भी ख़त्म, मार्केटिंग वाला केंद्र भी खत्म है और जितने दोनों को खत्म करने के लिए मेरी सरकार। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दो दो पुलिस कर्मियों की तैनाती के बावजूद इतनी बड़ी वारदात का हो जाना बेहद चौंकाने वाली बात लगती है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो भी शामिल है। गनर हो किसी के पास, दो दो गनर हो, उसके बाद जान चली जाए, अधिवक्ता हो, तो सोचिए सुरक्षा की कितनी जरूरत है। अखिलेश के इस बयान ने सियासी गर्माहट को और बढ़ा दिया है। भाजपा समेत सपा के दूसरे विरोधी दल इस पर तीखा तंज कर रहे हैं तो सपा कह रही है कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जल्द होना चाहिए। ऐसे सभी माफिया हैं जो समाजवादी पार्टी में ही कुछ पल्लवित होते रहे। हमारी सरकार एक एक को ढूंढ ढूंढ करके कड़ी कार्रवाई करेगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है केती जिनका आपने नाम लिया वो किसकी उत्पत्ति है, कौन उनका पोषक था, किसने पल्लवित करने का काम किया और एक बार नहीं चार चार बार किसने उनको दल में रखने का काम किया। प्रयागराज के मुद्दे पर हर दल अपने अपने हिसाब से सियासत में जुटा है। देखिए चाहे भाजपा कहे चाहे बसपा कहे, सच्चाई को लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर अतीक अहमद जी विधायक बने, समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने। अब इसको कौन इग्नोर कर सकता है? वही बात तो बीजेपी कह रही है, वही बात बसपा नेता कह रहे हैं, सारे लोग तो वही बतिया कर रहे हैं जो सच्चाई है। इसमें कौन सा झूठ बोल रहे हैं लोग? मैंने इस पे नियम 56 में मैंने सवाल लगाया था और मैंने सरकार से यही मांग किया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए। जो साइना परवीन जी जो अतीक अहमद की पत्नी हैं, उन्होंने भी इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। मेरा ये मानना है कि जो देखिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा लाइन ऑर्डर की पक्षधर रही है और जो भी लाइन ऑर्डर को अपने हाथ में लेता है बहुजन समाज पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। साफ है कि प्रयागराज में हुए एनकाउंटर पर सियासत की गाड़ी अभी और रफ्तार पकड़ने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।